हल्के से मुंतखब होते हैं तो वो कौन से मसाइल हैं जिनको आप हल? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ काकड़ और मैं हल्का P-32 क्विटरनों से इंतखाबात आज़ादी से लड़ रहा हूँ। मेरा हल्का चूंकि एक गुंजनाबाद इलाका है और ये हन्नाउड़क कोलमाइन सराउड़गी और सरियाब के म्यान गोडी से लेकर हजार बिंजी जतक स्टाफ जतकाबाद पश्तून क्या नाम है महमूदाबाद और इसमें सरियाब के कुछ इलाके शामिल। ये इलाका इंतहाई कमजोरी की जिंदगी गुजार रहा है। 2018 के इस जदीद दौर में भी हमारे हल्के में सिर्फ 6 घंटे बिजली आती है और 18 घंटे बिजली की लोड शेडिंग है जिससे हमारे इलाके के जिम्मेदारों को सख्त मतलब काफी नुकसान हुए और इलाके के लोग बिल्कुल कमजोरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। बागात बिल्कुल खुश्क हुए हैं, सब्जियों की कोई काश नहीं हो रही और मेरे इलाके में सबसे बड़ा जो मसला है वो बेरोजगारी का। मेरे इलाके में बेरोजगार की इतनी बड़ी तादाद में कहता हूँ कि शायद पूरे पाकिस्तान में ना हो। मेरी सबसे बड़ी तजियात में शामिल है कि मैं अपने इलाकों को बिजली बेरोजगारी और सेहत के बेहतरीन मौके फराहम कर, ये मेरे तजहात में शामिल है। मेरे हल्के के अवाम मेरे हल्के में काफी सियासी पार्टियों का किसी जमाने में उरूज होता था लेकिन अब चूंकि सब लोग सियासी पार्टियों से नाला हो चुके हैं और उन्हें चाहते हैं कि भी सियासी पार्टियों ने उनके इलाकों में कोई काम नहीं किया। अब सब लोगों का रुझान एक आजाद उम्मीदवार और पढ़े लिखे ईमानदार लोगों की तरफ हुआ हो। इंशाल्लाह मैं इस हल्के से कामयाब होकर अपने इलाके को बेहतरीन बिजली गैस और बच्चों के स्कूल सेहत और बेहतरीन रोजगार इंशाल्लाह फराहम करूंगा। ये मेरे तजहात में शामिल है और अल्लाह वो दिन लाएगा। अब लोगों का रुझान सिर्फ और सिर्फ आजाद उम्मीदवारों की तरफ, लोगों का तमाम नजरें आजाद उम्मीदवारों पर है। सियासी पार्टियों ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ आके वोट के बड़े खुशनुमा नारे लगाते रहे लेकिन काम कुछ भी नहीं किया। इंशाल्लाह मेरा इलाका बहुत बेहतरीन लोगों के पढ़े लिखे लोगों के मुश्तमिल, इस दफा उन्होंने आजाद उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा तरजीह दी है और इंशाल्लाह इलाके से मुंतखब होकर मैं अपने इलाके के लोगों के अरमान बिल्कुल हर तरीके से पूरा करूंगा। ठीक।